Shri Radhe Radhe Shri Radhe Shri Radhe 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 Rasik Vihari Jai Shri Radhe
कौशिक बिहारी भगवान की जय हो। अब वो समय आ गया गैया से पुत्र पैदा होता है जिसका पूर्ण शरीर मानव का और कान गाय के होते हैं, इसलिए उसका नाम गोकर्ण। अब धुंधली का बेटा तो है नहीं, पर अंदर की बात कौन जाने। पर संत सारी जाने बोले न। एक बार एक राजा जा रहा था, आगे चोर पीछे सिपाही सेनापति, बाद में खुद राजा गया। संत के नेत्र नहीं थे, पहले चोर गया फिर सिपाही गया फिर सेनापति गया, बाद में राजा खुद गए। संत की आंखें नहीं थी। राजा ने कहा, यति देवता, इस मार्ग से कोई गया है क्या? सन्यासी के मुख से पहला शब्द निकला, हां राजन, इस मार्ग से पहले एक चोर गया, उसके बाद एक पुलिस सिपाही गया, उसके पीछे सेनापति गया, उसके पीछे आप आए हो राजन। राजा को संदेह हो गया, अरे इसके तो नेत्र ही नहीं है, इसने मुझे पहचाना कैसे? और राजा ने प्रश्न किया, अरे महाराज आपके तो नेत्र ही नहीं है, फिर आपने मेरे से पहले जाने वाले को कैसे पहचाना कि वो चोर थे, और मुझे कैसे पहचाना कि आप मेरे, मैं राजा हूं। सन्यासी ने कहा, देखिए व्यक्ति की पहचान दो चीजों से होती है, एक वाणी से और दूसरे गुण से, तीसरी पहचान उसकी गति से होती है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति कौन से कुल से है बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं कि ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है मलिन है शूद्र है, बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके गुण ही बता देते हैं कि ये कौन। सन्यासी ने कहा, महाराज पहले जो चोर था उसके पैरों की गति बड़ी तेज थी, और ज्यादा गति से दो ही भागते हैं, चोर और लम्फट, इसलिए समझ में आ गया कि वो चोर है। बोले उसके पीछे जो भाग रहा था उसकी गति उससे दो गुनी ज्यादा थी, इसलिए समझ में आ गया कि वो किसी के पीछे भाग रहा है, अगर पहले वाला चोर था तो इसके पीछे। और जब सेनापति ने, ओ बाबा बता कोई गया, तो समझ में आ गया कि एक सेनापति की आवाज हो सकती है। और जब प्रभु आपने विनम्र भाव से कहा, राजन कि यति देवता इस मार्ग से कौन गया, तो मुझे भाव हो गया कि ऐसी विनम्र भाव ऐसी संवेदना ऐसी सहनशीलता ऐसी दीनता रखने वाला ही एक राजा राज्य कर सकता है, बाकी जिसकी वाणी में मिठास ही नहीं वो घर नहीं चला सकता। बड़ा आनंद आ गया है कि भाई आत्मदेव का तो भाग्य उदय हो गया, एक ही दिन में, पहले तो बांझ थे बेटा नहीं था, वृक्ष लाए तो वृक्ष फल नहीं देता था, आज तो ऐसा सुंदर योग आया कि घर में भी लाल और बाहर गैया ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, पूरे नगर में आनंद बस गया। दान दहेज नेग नेचू नंदी श्राद्ध नामकरण संस्कार हुआ। लेकिन मेरे भाई बहन, कि पूत कपूत तका धन संचय, पूत सपूत तका धन संचय, पूत अगर सपूत है तो दौलत कमा लेगा, क्यों इकट्ठा कर रहे हो, और अगर कपूत है तो बर्बाद कर देगा, क्यों कर रहे हो। एक घर में एक सन्यासी पहुंचता है, घर के मालिक से कहा कि तुम्हारी साल की आमदनी कितनी है, मालिक ने कहा, जी मेरी आमदनी सिर्फ 1,00,000 रुपए है। मालकन से पूछा, देवी आपकी आमदनी कितनी है, बोले मेरी आमदनी तो 14 करोड़ की सालाना है। बाबा का माथा ठनक गया, मैं करे क्या बाबा, क्या भाई आपके परिवार में इतना विदेश है,
घर का मालिक कह रहा है कि मेरी 1 लाख की आमदनी है और पत्नी कह रही कि मैं साल में 14 करोड़। बोले भैया ना ये गलत है ना मैं गलत हूं, दोनों की सोच और समझदारी का अंतर है। बोले जो मेरे घर की मालकन ने बताया वास्तव में मेरा व्यवसाय का अर्निंग 14 करोड़ साल का है, ये उसकी संपत्ति है, लेकिन मैं जो कहता हूं कि मेरी साल की आमदनी 1 लाख है वो इसलिए क्योंकि मैं 1 लाख रुपया परमार्थ में खर्च करता हूं, वो मेरी असली संपत्ति है। अगर परमार्थ नहीं तो स्वार्थ पूरा ही नहीं हो सकता। भारत है दशांश की विधि है। फिर कहने लगा आपके बेटे कितने हैं, बेटे कितने हैं? कहने लगे 2। मालक ने कहा 1। और विडंबना, बाबा ने कहा मैं कहां आ गया, माई कह रही है मेरे 2 और बाप कह रहा है मेरे। बोले कैसे माई, ये भी क्यों विदेश ना, तू कहती है 2 और वो कहते ही 1। बोले सुन बाबा, इससे जन्म लिया 2 ने, वो संसार चलाते इसलिए इसके 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने एक सन्यासी को पुत्र मान लिया है जो जगत में नहीं उस लोक में भी मेरा नाम करता है, इसलिए मेरा 1 इसके 2। मैंने किसी को अपना बना लिया। आप 1000 बार किसी को अपना बना लो, जब तक वो आपको अपना नहीं माने जीवन व्यर्थ है। और अगर किसी ने आपको अपना मान लिया तो आपको उसका हो जाना चाहिए। धुंधकारी नाम रखा गया और एक का नाम रखा गो। अब जथे नामे तथे गुणा, धुंधकड़ी जिसकी शुरुआत जिससे होती है उसका काम वहीं से होता है। सड़क पे मांगने वाले भिखारी को राजा के घर में बिठा दो तो 2 ही काम करेगा, या तो खजाना चुरा के ले जाएगा या राजा की मृत्यु कर देगा। अज्ञानी के हाथ में शस्त्र दे दो तो उसे परवाह नहीं किस पे प्रहार कर देगा, इसलिए पात्र देख करके ही कार्य किया जाता है। धुंधकारी मांस भक्षण मदिरापान वैश्यावृत्ति में लग जाता है और गोकर्ण हरि स्मरण में लग जाता है। जिस गाय के हृदय में 33 कोटि देवताओं का वास और ऊपर से 1 संत का प्रसाद, वो तो भजन ही करेगा महाराज, ये तो माया परीक्षा लेती है। 1 संत आया उसके पास, माया आ गई, उसने कहा बाबा मेरी बात सुन ले नहीं तुझे भिखारी बना दूं। बाबा ने कहा बना ले, और है क्या तेरे बस में, दुष्ट नुकसान करके पूछते अब आ रहा है ना मजा, हमने कहा था सुना होता तो ना। बोला मजा आ रहा है। बोले बाबा अभी तू गरीब है, अगर नहीं मोला तो इससे बुरी हालत बना दूंगे। बोले बना दे। बोले जा तुझे मैंने गाय बना दिया। सन्यासी को गाय बना दिया माया ने, फिर भी कहती अब मजा आ रहा है, मेरी सुन लेते तो एसी में रहते, सोने चांदी के सिंहासन पे बैठे, अब गाय बन गए मजा आ रहा। सन्यासी ने कहा ओ माया तू आ जा, मैं तेरे पैर धो के 100 बार पी लूं, जब मैं मानव योनि में था तो भोजन की व्यवस्था में समय जाता था, दिशा मैदान सोच के लिए 1000 मर्यादाएं बधी होती थीं, अब तो यह एक ही काम रह गया हरि भजन हरि भजन। जो काम मैं ना कर सका यह तूने करवा दिया, माया धन्य है तेरा जीवन, 33 कोटि देवताओं का वास उस माँ के हृदय में वास करा दिया। धुंधकारी कुमार्गामी है, धीरे धीरे माता को पिता को कष्ट देता है। जब तक धन है तब तक उनके साथ सारी संपत्ति रही, सारी वैश्यावृत्ति सारे आनंद रहे, सारे सुख आनंद लिया, और अंत में उन्होंने उन्हीं वैश्याओं ने जलती हुई लुआठी को मुंह में डाल डाल करके धुंधकारी को भी मृत्यु कर दिया, घर के अंदर दबा दिया। तप को पूर्ण करके गोकर्ण जी उस घर में आए। गोकर्ण जी के आगमन पर
मध्यांतर में धुंधकारी प्रेत यवनी में उठता है। गोकर्ण ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोले, मैं धुंधकारी हूं, तुम्हारा भाई। बोले, आपकी दशा ये कैसी हुई? कहने लगे, मैं कुमार गगामी हो गया था, मेरी अकाल मृत्यु हुई है, मैं प्रेत योनि में हूं, बात नहीं कर पा रहा था। तो गोकर्ण ने अपने कमंडल से जल डालकर छिड़का, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम, भाषा बोलने लगा। और उसके लिए गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। अब वो प्रेत योनि में था तो सभा में तो नहीं बैठ सकता ना, सभा में नहीं बैठ सकता, मानव योनि में नहीं बैठ सकता, इसलिए सात गांठ की बांस लाई गई। यही कारण है कि आज श्रीमद् भागवत कथा में सात गांठ की बांस बंधवाई जाती है। कुछ लोग अपनी दृष्टि से नहीं स्वीकार करते, मत करो। रखा गया और उसके अंदर धुंधकारी को वास कराया गया, क्योंकि वो प्रेत यवनी से था। श्रीमद् भागवत कथा का पहला दिन हुआ, लगता रहे दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष हो, शालिग्राम हो, घर में पंचामृति हो, आए आरती उतार। सब लोग आगे आ जाइए, वृंदावन 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 राम Thank you.
भूमि में आजो जय सामी में आजो जय गाड़ी में आजो जय आज मन में आजो आजो सबके मन में आजो आजो सबके मन में आजो आजो मेरे मन में आजो आजो सबके मन में आजो आजो मन में विराजे 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 आजो आजो मैं सुंदर में आके लगा कयोली
विद्महे रामदासाय धीमहि तन्नो शीतल मञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुवर्ण पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर सांगायो सायुधायो सशक्तिकायो सभानाय सपरिकराय मंडल मंडप देव सहिताय इस मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण प्रसुप्तमाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, संत समाज की, सब भक्तन की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अधर्म का अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदये, हर हर महादेव।